वहां पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, वहां पर बलिदान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बलिदान का भाग किसको सौंप दिया गया है, अन्य जातियों को सौंप दिया गया है जो आंगन में था। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4th खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11:1 से लेकर 3 के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 के 1-3 पदों के विषय में। ये इसका तीसरा भाग है। मैं आपको एक चीज यहां पर समझा देना चाहता हूं। अगर कोई भी पद है प्रकाशित वाक्य का जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उसमें कई पॉइंट हैं, उसके कई भाग बनते हैं, चाहे वो 10 बन जाएं, 20 बन जाएं, जब तक उस एक पद को या उन पदों को क्लियर नहीं कर देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन पदों के बारे में जानना, उसके भेदों के बारे में जानना और सीखना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए आप इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं प्रकाशित वाक्य 11:1-3 को आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। यहां पर जो है मुख्य रूप से 3 पॉइंट है और इन तीनों पॉइंट में बहुत ही गहराई है, बहुत ज्यादा गहराई है, बहुत से भेद छुपे हुए हैं और इसलिए इसके बहुत से जो है भाग बन रहे हैं और वो हर एक भाग जो है वो आपके सामने जो है वो रखा जाएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए यहां पर 3 पॉइंट क्या है। पहला है परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। दूसरा है मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वे अन्य जातियों को दिया गया है कि उसे 42 महीने तक रौंदें। तीसरा है परमेश्वर के 2 गवाह जिनको ये अधिकार दिया गया है कि 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें, अर्थात 1260 दिन तक। ये इन तीनों जो पॉइंट है इसके अंदर, इसके जो भेद छुपे हुए हैं इसके अंदर, इसको परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने प्रकट करेगा। पहला ही हम अभी पहले पॉइंट पे हैं, परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि परमेश्वर के मंदिर के बारे में, तथा हमने ये भी सीखा था कि कौन से मंदिर की नपाई का कार्य चल रहा है, स्वर्गीय मंदिर या पृथ्वी का मंदिर। प्राचीन काल में जो नपाई का कार्य होता था वो हाथ की लंबाई के द्वारा होता था। जी हाँ, हाथ की लंबाई जो है, हाथ की लंबाई कहां से, ये जो उंगली का पोर है यहां से लेकर यहां तक, अर्थात कोनी से लेकर और इस उंगली के पोर तक ये लंबाई होती थी, और अगर कुछ बढ़ाया जाता था तो 4 उंगल जो है उसको बढ़ाकर उसकी लंबाई को नापा जा सकता था। मुख्य रूप से जो लंबाई एक का समान हाथ की जो लंबाई होती थी वो 17.5 इंच थी, या आप उसको राउंड फिगर में ले लीजिए 18 इंच जो थी वो उसकी लंबाई हुआ करती थी। वो उस हाथ के नामा, आपने देखा होगा परमेश्वर के वचन में लिखा कि 10 हाथ लंबाई नाप ले या 5 हाथ चौड़ाई नाप ले, इस तरीके से जो है परमेश्वर के वचन में हाथ के बारे में लिखा गया। हालांकि पूरे इसराइल के इतिहास में हाथ की लंबाई का हाथ की जो भी लंबाई थी एक समान नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लोग बड़े लंबे चौड़े हुआ करते थे, कुछ छोटे हुआ करते थे, तो उसी तरीके से उनकी जो हाथ की लंबाई जो थी वो उसका हिसाब किताब जो था वो नहीं लगाया जा सकता था। फिर ये जो पर्टिकुलर जो मूसा को दिया गया कि इतना हाथ ये नाप लेना, वो कर लेना, जो वो पवित्र स्थान को, मंदिर को बना रहा है, तो वो किस तरीके से एक सामान्य जो है लंबाई नापी गई है और वो भी हाथ की, इस बारे में जो है वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इजरायली थे वो 430 वर्ष तक मिस्र के अंदर रहे और मिस्र की गुलामी में रहे या मिस्र के अंदर रहे, और जो वहां पर उस दौरान मिस्रियों का हाथ का जो प्रयोग होता था
उन्होंने वही किया। इसलिए ये मानना उचित है कि ये मानक जिसका उपयोग उन्होंने निवास स्थान का निर्माण करते समय किया, आप इसको पढ़ सकते हैं निर्गमन 25 अध्याय उसका 10, 17 और 23 पद को। तो वहां पर जो है वो जो लंबाई चौड़ाई है जो मिस्रियों के हाथ की जो निर्धारित की गई थी उसी हाथ पर जो है उन्होंने उस लंबाई चौड़ाई को नापा है, ऐसा मानना है इतिहास में जो जिस तरीके से लिखा है। फिर दूसरी जो हाथ की लंबाई अगर हम देखेंगे मेसोपोटामिया की, ये सभ्यता जो है ये भी बहुत प्राचीन है और पुरानी है, और इनकी जो हाथ की लंबाई होती थी 19.6 इंच की हुआ करती थी। जी हाँ, 19.6 इंच की जो है हाथ की लंबाई हुआ करती थी। परंतु यहां पर जो है जो मिस्रियों के हाथ की लंबाई जो दी गई है जो एक फिक्स थी वो थी 20.6 इंच की लंबाई हुआ करती थी। सुलेमान के समय में जो मंदिर की नपाई की गई है आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 3 अध्याय और उसका 3 पद, तीसरा पद है, यहां लिखा परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसकी नेव इस प्रकार है, अर्थात उसकी लंबाई प्राचीन काल के नाप के अनुसार 7 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। प्राचीन काल के यानी ये सुलेमान के समय में जो परमेश्वर का मंदिर बनाया गया, सुलेमान के समय में जो नपाई का काम था वो उस समय की वर्तमान समय की यानी सुलेमान के समय की नपाई की लंबाई नहीं ली गई थी, बल्कि प्राचीन काल से जो प्राचीन काल में थी मिस्र की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो है। मगर ज्यादातर जो इज़राइल के अंदर या इज़राइली लोग जो नपाई का काम करते थे वो मिस्र की जो लंबाई चौड़ाई होती थी या वहां का जो माप था उसके अनुसार वो करते थे, और सुलेमान का जो मंदिर बनाया गया ये वहां पर ये बिल्कुल वैसे ही है। देखिए मैं क्यों ये नपाई का काम, क्योंकि नपाई का काम हो रहा है। यूहन्ना क्या देख रहा है कि पवित्र स्थान और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को जो है वो देख रहा है और उसकी नपाई का कार्य हो रहा है। इसलिए नपाई के कार्य को समझना बहुत जरूरी है। आप एक इंच इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कहां से आई है, किसकी नपाई आई है, किस समय की है, इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये सब परमेश्वर के भेदों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो यहां पर जो है सुलेमान ने जो है जो प्राचीन काल में जो मिस्रियों की नपाई का कार्य मापदंड जो था नापने का, घर को नापने का या किसी भी चीज को, तो उसने मिस्रियों की उसका जो है इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया गया है। यूहन्ना द्वारा जो है मंदिर की नपाई का कार्य जो है वो दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि यूहन्ना जो है मेसोपोटामिया की या मिस्र की नपाई का जो है वो प्रयोग कर रहा है। परंतु यहां पर अगर बहुत ध्यान पूर्वक देखें तो इन दोनों में से वो किसी का भी प्रयोग नहीं कर रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि वो कर रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये स्वर्गीय दर्शन है इसलिए ये स्वर्गीय नपाई का प्रयोग करता है। ये बात बड़ा ध्यान से रखें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के मंदिर की बात करते हैं, जो पवित्र स्थान की बात करते हैं, उसकी नपाई तोलाई परमेश्वर ने जो है वो नमूना मूसा को दिया था, वो सब कुछ सही था, परंतु बिल्कुल वही उतनी लंबाई चौड़ाई परमेश्वर के उस स्वर्गीय नमूने के अनुसार होनी चाहिए, चाहे आप वो मिस्र का प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो आप मेसोपोटामिया की माप का प्रयोग कर रहे हो, किसी भी माप का प्रयोग कर रहे हो आप, मगर वो लंबाई चौड़ाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी परमेश्वर दिखा रहा है या जितनी परमेश्वर समझा रहा है, उससे एक इंच ज्यादा नहीं, एक इंच बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा ध्यान रखने की बात है। और यहां पर जो है यूहन्ना तो यही कर रहा है, परंतु जब एजेकेल को ये दर्शन दिया गया, क्योंकि पृथ्वी के मंदिर की जो नपाई तो थी परंतु उसका दोबारा नापना और अलग अलग तरीके से नापने का जो कार्य किया जा रहा है वो अलग है, और जो एजेकेल के द्वारा किया जा रहा है वो अलग है। ये इन चीजों को जो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं एजेकेल के बारे में पढ़ देना चाहता हूं, एजेकेल 40:5, और देखो भवन के बाहर चारों ओर एक दीवार थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी जो साधारण हाथों से 54 भर अधिक है, अतः उसने दीवार की मोटाई माप कर बांस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी माप कर बांस भर की पाई। एजेकेल क्या कह रहा है कि साधारण हाथ से, हमने साधारण हाथ में जब लंबाई का मापदंड बताया था आपको,
तो क्या बताया था, 17.5 इंच साधारण, उससे चौवा भर आगे। चौवा भर का मतलब ये होता है चार उंगलियों का, ये चौवा भर आगे जो था उसको नापा गया, इस इतने बराबर लंबाई थी। ये साधारण हाथ की लंबाई नहीं ली, अब इसको थोड़ा सा और आप बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, जैसा मेसोपोटामिया और मिस्र का जो हमने आंकड़े दिए थे 19.6 और 20.6 इंच जो दिया था, उसके उतनी लंबाई के अनुसार वो वहां पर अपने आप आ जाता है। तो यहां पर जो एजिकल कार्य कर रहा है, जो उसको एक बांस दिया गया, कितना 6 हाथ लंबा जो है बांस है, और 6 हाथ का मतलब क्या होता है, उससे चौवा भर अधिक, ये ध्यान रखिएगा। तो वो जो है नपाई का कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, इस नपाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्यों जरूरी है, मैं आपको, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर ही होंगे, ये नपाई के बारे में क्यों बताया जा रहा है, किसी का माप तोल तो करना चाहिए। हम यूहन्ना 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना 14 अध्याय में क्या है, आप यीशु मसीह जाने से पहले क्या कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। जगह तैयार करने, क्या वो जगह तैयार नहीं थी? आप जब यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका 65-66 अध्याय पढ़ेंगे, फिर मैंने एक नया आकाश नई पृथ्वी देखी है, अब यशायाह जो है उस नए आकाश नए पृथ्वी का दर्शन यशायाह ने भी किया है, और वो देख रहा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक जगह तैयार की गई है। मगर यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, यानी और जगह बढ़ाने जा रहा है, यानी उसके और लोग जो है उसके अंदर इकट्ठा हो। तो ये जो नपाई का कार्य एजिकेल में और जकरिया में और आप यूहन्ना में देख रहे हैं, ये उसी के आधार पर जो है सारी क्रिया हो रही है। इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, परमेश्वर का वचन बताता है। एजिकेल 43 अध्याय उसके 13वें पद में क्या लिखा है, ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो, वेदी को नाप। अब देखिए यहां पर वेदी को भी नापने की बात आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप एजेकेल 40 अध्याय से लेकर 48 अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो स्वर्गीय मंदिर का जो दर्शन देख रहा है, उसकी नपाई की हर चीज नपाई का कार्य देख रहा है कि पूर्व दिशा में जो चीजें हैं उसकी नपाई का, पश्चिम में जो है या उत्तर में जो है, हर एक चीज का एजेकेल देख रहा है। ये मापने का कार्य जो है ये विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है, और यूहन्ना 11 अध्याय में यानी प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 11 अध्याय उसके अंदर स्टार्टिंग में ही यूहन्ना इस चीज को देख रहा है, वो प्रकट किया जा रहा है, उसका प्रगटीकरण हो रहा है। जो प्रगट एजिकेल के समय में किया गया, जो जकरिया के समय में किया गया, वही नपाई का कार्य जो है वो यूहन्ना के समय में किया जा रहा है, क्योंकि ये अंतिम नपाई का कार्य है, इस चीज को समझना है। अब स्पेशली यहां पर जो है एजिकेल के समय में वेदी के बारे में बताया जा रहा है, वेदी की लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया जा रहा है। अब सेम चीज यहां प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके 1-3 पद में यूहन्ना को भी, किसको नापना, पवित्र स्थान को नापना है, और उसके बाद किसको नापना है, वेदी को नापना है, उसके बाद किसको नापना है कि उसमें उपासना करने वालों, किसमें, परमेश्वर के मंदिर में यानी पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में, और वेदी पर जो है उपासना करने वाले, आंगन में नहीं लिखा है, क्योंकि आंगन किसको दिया गया है, वो अन्य जातियों के लिए दिया गया है कि वो उसको 42 महीने तक रौंदे। तो वहां की क्या उपासना थी, वहां पर किस चीज की उपासना कर रहे हैं, वहां पर क्या चीजें थी, इसके बारे में जो है इन भेदों के बारे में जानना जरूरी है कि वो उपासना वेदी की जो महापवित्र स्थान की या पवित्र स्थान की परमेश्वर के मंदिर की जो उपासना है वो फिर से प्रकट हो रही है अंत समय में, और परमेश्वर जो वो करा रहा है। मगर वहां पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, वहां पर बलिदान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बलिदान का भाग किसको सौंप दिया गया है, अन्य जातियों को सौंप दिया गया है जो आंगन में था, ठीक है, इसलिए हम उसकी अभी बात नहीं करेंगे, उसकी बात तब करेंगे जब हम आंगन की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के मंदिर अर्थात पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान की, जो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान एक हो गए हैं, मगर उनमें क्या था, उन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो नपाई का कार्य जो हो रहा है शुरू से हो रहा है, एजिकेल के समय से मूसा को नमूना दिया गया है, जो तंबू का मंदिर था उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बताया गया, उसके बाद क्या कहते हैं एजिकेल को दिखाया जा रहा, उसके बाद जकरिया को दिखाया जा रहा, उसके बाद यूहन्ना को दिखाया जा रहा, और यूहन्ना को दिखाने से पहले यीशु मसीह क्या कहता है,
जब आप यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ेंगे, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां पर तुम भी रहो, कि मैं आऊं और आकर तुम्हें ले जाऊं। यानी जगह तैयार, ऐसी क्या चीज है? स्वर्ग तो बहुत बड़ा है, उसमें तो अथाह जगह ही जगह है, परंतु फिर भी यीशु मसीह के स्पेशली इस बात को कहता है। यानी एक जो उसके लोगों के लिए है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो नापी जा रही है जहां पर उसके लोगों को रखा जाएगा। ठीक है, जगह तैयार करने का मतलब है कि भाई जगह तैयार करेगा, लंबाई चौड़ाई उसकी नापी तौली जाएगी, तभी वो जगह तैयार होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए आप इन प्रकाशित वाक्य के इन जो पद हैं, खासतौर से प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 1-3 पद में जितने भी भाग हों, बहुत ध्यान से सुनेगा, चाहे 20 हो चाहे 25 हो जाए, आप इससे मत घबराइए। मगर उन वेदों को जब आप समझेंगे तो आप सही वर्शिप में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नपाई का काम जो है, पवित्र स्थान का जो है, वो इस बात को प्रकट करता है कि आप सही वर्शिप में आएंगे और सही तरीके से वर्शिप करने के लिए जो है प्रेरित होंगे और उत्साहित होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। इसलिए इसका जानना जरूरी है। आगे हम देखेंगे इस मंदिर के बारे में और इसके भेदों के बारे में। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।